काशीपुर में बीते दिनों कोरोना के चलते हुई वृद्धा की मौत के बाद स्थानीय शमशान पर संस्कार के समय हुई जद्दोजहद के बाद पुलिस के पहुंचने पर हुए संस्कार के बाद आज भविष्य में काशीपुर में इस तरह की दिक्कत ना हो इसके बाबत एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर निगम के सभागार में आयोजित बैठक में अपर स्वास्थ्य निदेशक के साथ जिले के ACMO के अलावा स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कोविड के संक्रमण से होने वाली मौत के बाद दाह संस्कार और दफन के समय कोविड से बचाव के लिए सुरक्षा के उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ शमशान घाट और कब्रिस्तान कमेटी से कोविड मृतकों के संस्कार और दफन के लिए अलग से स्थान चयनित किए जाने की बात कही। मृतक की अस्थियां मृतक के परिजनों से 112 नंबर पर जानकारी पूछने की बात कही है। इस दौरान अपर स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि आज की बैठक कोरोना संक्रमित की मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार और दफन को लेकर सरकार की तरफ से जारी SOP के बारे में जानकारी देना था ताकि किसी तरह संशय किसी के मन में ना रहे और सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मृतक के शव को सैनिटाइज करके घर से ही बॉडी बैग में रखकर शमशान या कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। इस दौरान परिवार के 2 सदस्यों तथा प्रशासन के 4 सदस्यों को ही संस्कार के समय मौजूद रहने की अनुमति होगी जिसमें स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग की टीम सम्मिलित होगी। इसमें जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बताई गई है उसमें हमारे एडिशनल CMO साहब जो है उन्होंने बहुत विस्तार से बता दिया है। तो इसमें बेसिकली स्थान का चिन्हितकरण किया जाना है। तो उस दिन हमारे SNA साहब वहाँ पर जब गए थे हमारी टीम भी गई पड़ती अलग से, काफ़ी उनको जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर लास्ट में जब मुझे यहाँ थाने से फोर्स भेजना पड़ा उसके बाद पूर्व विधायक जी हमारे राजीव अग्रवाल जी उनसे बात की तब जा करके आप लोग तैयार हुए थे। ये चीज़ गलत है। जब आपने जगह चिन्हित कर रखी है उसमें हम लोग पूरा चले। अब जो भी प्रशासनिक तैयारियां थी आज यही इसीलिए बुलाया गया सबको ताकि इसमें एक चीज़ निर्धारित हो जाए, आपको भी पता लग जाए कि क्या नियम है, शासन द्वारा क्या निर्धारित किया गया है और हमारी तैयारी के लिए चिन्हित कर लीजिए क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। और दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे जो आपके शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान कमेटी होती है उस कमेटी के लोग नहीं रहेंगे क्योंकि अगर वो वॉलेंटियर करना चाहते हैं तो उससे पहले नगर निगम में अपने रजिस्ट्रेशन टाइप का करा देंगे। तो उनको प्रॉपरली जो PPE किट वगैरह जो दिया जाता है जिससे एहतियात है कि जो संक्रमण ना फैले वो पूरा जो है। ये जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका कैसे हम जो अंतिम संस्कार करें उसके लेकर बैठक बुलाई गई थी। इसमें कब्रिस्तान कमेटी के लोग भी आए थे और जो सौदा के प्रबंधक हैं यहाँ सौदा स्थल के वो लोग भी आए थे। पूरी प्रक्रिया उनको समझा दिया गया है कि कैसे उसको बॉडी बैग में हम रखेंगे और कैसे ले जा करके वहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे। उसमें घर के 2 लोग उपस्थित रह सकते हैं, उसको लेकर सहमति बनी है और आगे सुचारू रूप से कार्य हो सकेंगे। सर एक चीज़ और सामने आई, देखिए बीच में लॉकडाउन लगा था तो अगर हो सकता है उस वजह से किसी को परमिशन ना मिल पाई हो। अब अनुमति लेकर के किसी को भी जाना है तो ऑनलाइन पास बन रहा है, पास बना के जा सकता है।